सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय YouTube चैनल। फ्रेंड्स, कलर को निखारना, खूबसूरत बनाना और गोरा होना किसको पसंद नहीं है? हम सबको पसंद है, लेकिन हम कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, क्रीम लगाते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कलर, हमारी स्किन का जो कलर है वो डार्क ऐसा लग रहा है जैसे स्किन का ग्लो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें ऐसे क्रीम बनानी है जिससे आपका कलर फेयर हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे ठीक कर सकते हैं। तो DIY जो आज मैं क्रीम बताने जा रहा हूँ, इसे यूज़ करेंगे तो आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो इससे आपकी स्किन का कलर खूबसूरत होगा और ग्लो भी करेगी आपकी स्किन और सुंदर भी दिखेगी। तो फ्रेंड, ये क्रीम मैं आज आपको बताऊँगी, तो इसे कैसे बनाना है चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चावल लेना है और इस चावल को मैं अच्छे से 3 पानी या 2 पानी आप निकाल लीजिए, इन्हें अच्छे से धो लीजिए। चावल को अच्छे से धो के इसका पानी आप अच्छे से निकाल लीजिए। तो मैं इस तरह से इन चावल को पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इनका पानी जो है वो मैं निकाल लूँगी। फ्रेंड, सबसे पहले मैं पानी को बॉईल कर लूँगी और इसके अंदर मैं इन चावल को डाल दूँगी। तो हम घर में चावल कैसे बनाते हैं उसी तरह से इन चावल को पकाना है। और ये चावल जो गाढ़ा हो जाता है, ये देखिए हो चुका है रेडी। इस तरह से ये गाढ़ा हो जाना चाहिए, चावल जो है पूरा बॉईल हो जाना चाहिए। और इस पानी को मैं कपड़े की हेल्प से इन चावल को इसके अंदर डालूँगी। कॉटन का कपड़ा लेना, इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इसके अंदर ये पूरे चावल जो है मैं डाल रही हूँ। और इन गरम है तो प्लीज़ ध्यान से लीजिएगा, ये चावल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से मैं पूरे चावल को इसके अंदर डाल दूँगी। आप देख सकते हैं ये चावल बनके रेडी हो चुका है। तो मैं इस तरह से इसको ले लूँगी। तो ये अच्छे से मैंने ले लिया है, 3 या 4 चम्मच के लगभग मैंने लिया है। अब मैं 1 चम्मच इसके अंदर कोकोनट ऑयल मिक्स करूँगी। तो आप चाहें, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 चम्मच ही कोकोनट ऑयल लूँगी। आप जितनी बनाना चाहें, लेकिन ये 5 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहेगी, फ्रिज में रखना है आपको बना के। तो मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आप पतंजलि का ले लीजिए, कोई भी एलोवेरा जेल जो है वो ले लीजिए। तो मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ और अच्छे से इन तीनों को आप मिक्स कर लीजिए। तो एक क्रीम की तरह ये बन के तैयार हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसे आपको बना के फ्रिज में रखना है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको इसे बना के फ्रिज में ही रखना है, बाहर बिल्कुल भी ना रखें वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो इसे मैंने अच्छे से बना लिया है और एक कंटेनर में मैं इसको रख लूँगी बना के। तो इस तरह से आपको बनाना है इस क्रीम को। तो आप देख सकते हैं मैंने क्रीम बना ली। अब मैं आपको देखिए लगा के दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छी क्रीम बनी है। और इससे जो भी ड्राई स्किन है वो भी सही हो जाएगी और ग्लो आएगा, कलर भी निखरेगा। आपको सुबह सुबह रोज़ाना इसे लगाना है। तो 1-1.5 घंटे तक लगा के अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो इस तरह से इस क्रीम को बनाना है। ये देखिए मैंने बना ली है ये क्रीम, कितना अच्छा ग्लो भी आ रहा है इस क्रीम से, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस क्रीम को बनाना है। फ्रेंड्स, अच्छे से आपको इस क्रीम को मिक्स करके और अपने पूरे फेस पे लगा लेना है आपको। तो इसे लगा के आपको 2 घंटे तक रखना है और उसके बाद अपने पूरे फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें, इससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो आएगा और ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको 2 घंटे तक, मेरी बात को सुन लीजिए, आप 2 घंटे तक इसे लगाना है आपको, उसके बाद अपने फेस को वॉश करना है। तो इस तरह से मैं इसे लगा रही हूँ और उसके बाद मैं 2 घंटे के बाद अपने पूरे फेस को वॉश करती हूँ।
करूँगी सही।